हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इसमत है, आप देख रहे हैं ट्रेंड अपडेट न्यूज़ है। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको बड़ी खुशखबरी दूंगा यूपी के यात्रियों के लिए कि कुछ और नई ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। ये ट्रेन सहारन से बलिया के मध्य में, बनारस से प्रयागराज के मध्य में चलेंगी। क्या पूरी को मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से भी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होती रही। चले आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आज मैं आपको बड़ी अपडेट दूंगा कि यूपी के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि यूपी में कुछ और नई ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। ये पैसेंजर ट्रेन है बलिया से सहारनपुर, बनारस से प्रयागराज, रामबाग के मध्य में चलती हैं। मैं आपको बताऊँगा क्या रहेगा गाड़ी, इस गाड़ी का नया नंबर और टाइम टेबल। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो ज़्यादा से लाइक करें और ज़्यादा से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए मैं आपको सबसे पहले गाड़ी बता देता हूँ। ये ट्रेन बलिया से चलती है सागंज, सागंज बलिया अनारक्षित एक्सप्रेस गाड़ी है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, रेलवे पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस के रूप में चला रहा है, तो पैसेंजर की जगह एक्सप्रेस नाम लिखा हुआ आएगा। तो ये जो गाड़ी है, पहले बलिया सागंज पैसेंजर चलती थी, अब एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। यानी इसमें टोटल जो डिब्बे लगाए गए वो ICF कोच के रहेंगे। देखिए, ये जो गाड़ी है आपकी बलिया से जब चला गई तो 051 71 05 171 नंबर के साथ चलेगी। 10 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो जाएगी बलिया रेलवे स्टेशन से, डेली चला करेगी। सागन से जब चलेगी तो 051 72 नंबर के साथ चलेगी, 051 72 नंबर के साथ 11 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो जाएगी। आइए अब मैं आपको इन ट्रेनों का टाइम टेबल बता देता हूँ। बलिया रेलवे स्टेशन से जब सागन के लिए चलेगी 051 71 नंबर के साथ, तो बलिया से ये ट्रेन शाम को 5:30 पर चलेगी। सागरपाली आएगी 5:37 पर, फेफना जंक्शन आएगी 5:44 पर, 2 मिनट खड़ी रहेगी फेफना। जिगनी खास पहुंचने का समय रहेगा 5:54 पे, चिलकहर 6 बजे पहुंच जाएगी। और सनवारा पहुंचने का समय रहेगा 6:09 पे, रसड़ा आएगी 6:18 पे, 2 मिनट खड़ी रहेगी रसड़ा। और रजमलपुर रोड आएगी 6:29 पे, 1 मिनट खड़ी रहेगी। रतनपुर आएगी 6:41 पे, हलधरपुर आएगी 6:51 पे, इंदिरा जंक्शन 7:04 पे पहुंच जाएगी, 2 मिनट खड़ी रहेगी इंदिरा जंक्शन। रेलवे स्टेशन मऊ पहुंचने का समय रहेगा 7:20 पे, 10 मिनट खड़ी मऊ जंक्शन। पालीगढ़ आएगी 7:38 पे, 1 मिनट खड़ी रहेगी। खुराट आएगी 7:43 पे, खुराट आ जाएगी। मोहम्मदाबाद पहुंचेगी 7:53 पे, यहाँ पे 2 मिनट खड़ी रहेगी। सठियाँ आएगी 8:03 पे और 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर आने सिधारी हाल्ट पहुँचने का समय रहेगा 8:14 पे, आजमगढ़ 8:25 पे आएगी, 5 मिनट खड़ेगी आजमगढ़। सराय रानी पहुँचने का समय रहेगा 8:36 पे, 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। फरिया 8:45 पे शाम को फरिया। संजयपुर 8:53 पे, सरायमीर 8:58 पे सरायमीर। और खुरासान रोड पहुँचने का समय रहेगा 9:13 पे, खुरासान पहुँच जाएगी। दीदारगंज 9:29 पे, खंजा हॉल्ट पहुँचने का समय रहेगा 9:37 पे, खंजा हॉल्ट। सागंज जंक्शन आ जाएगी 10:05 पे, ट्रेन सागंज आ जाएगी, रात के 10:05 10 पे पहुंच जाएगी सागंज रेलवे स्टेशन। देखिए, जब ये गाड़ी सागंज से चलेगी बलिया के लिए, तो सागंज से सुबह 5:30 पर चलने का समय रहेगा इसका। 5:39 पे खजना हाल्ट आएगी, दीदारगंज आएगी 5:48 पे, यहाँ पर 2 मिनट खड़ी रहेगी। खुरासान रोड 5:56 पे आएगी, 2 मिनट खड़ी रहेगी। सरायमेर 6:06 पे आने का समय और 2 मिनट खड़ी रहेगी। संजयपुर 6:14 पर पहुँच जाएगी और 1 मिनट खड़ी है संजयपुर। फरिया पहुँचने समय रहेगा 6:21 पे, यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है। सराय रानी 6:33 पे आ जाएगी, 2 मिनट खड़ी रहेगी। आजमगढ़ 6:45 पहुँच जाएगी 6:45, यानी कि आजमगढ़ 5 मिनट खड़ी रहेगी आजमगढ़। सिधारी हाल्ट 6:55 पे, सठियाँ 7:06 पे, 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा सठियाँ। मोहम्मदाबाद 7:15 पहुँच जाएगी, 2 मिनट खड़ी रहेगी। खुरट 7:30 पे पहुँच जाएगी, 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। पालीगढ़ 7:39 पे पालीगढ़। मऊ पहुँचने समय रहेगा 7:55 पर, यहाँ पर 5 मिनट खड़ी रहेगी मऊ रेलवे स्टेशन। इंदिरा 8:08 पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। हल्दापुर 8:18 पर पहुँचने का समय। रतनपुरा 8:28 पर रतनपुरा आएगी, 2 मिनट खड़ी रहेगी। रजमलपुर 8:38 पर, रसड़ा 8:46 पर पहुँच जाएगी, 2 मिनट खड़ी रहेगी रसड़ा रेलवे स्टेशन। सनवारा 8:57 पर, यहाँ पर 1 मिनट खड़ी रहेगी। चिलकहर 9:04 पर, जिगनी खास 9:12 पे, फेफना 9:19 पे पहुंच जाएगी। सागरपाली 9:28 पे और सुबह 10 बजे बलिया जंक्शन आ जाएगी। तो ये गाड़ी थी सागन से बलिया चलेगी 051 72 नंबर के साथ चली, और ये ट्रेन सागन से 11 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो रही है।
और ये गाड़ी प्रतिदिन चला करेगी, पैसेंजर के रूप में चलाएंगे रेलवे इसको, लेकिन आपसे जो किराया लिया है वो एक्सप्रेस का लिया है। तो सागर बलिया एक्सप्रेस के नाम से चल गई, पहले ये पैसेंजर के नाम से चलती थी। तो एक बड़ी खुशखबरी है कि सागर से भी अब एक और नई ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है बलिया के लिए वाया आजमगढ़ मऊ के रास्ते। आइए अब मैं आपको दूसरी ट्रेन के बारे में बता देता हूँ। देखिए जो दूसरी ट्रेन है ये ट्रेन बनारस से प्रयागराज रामबाग चला करेगी। बनारस प्रयागराज रामबाग ये ट्रेन भी अनारक्षित है, यानी कि आप जनरल के टिकट लेकर के यात्रा कर सकते हैं। एक्सप्रेस के नाम से चले, पहले ये पैसेंजर के नाम से चलते थे, है पैसेंजर लेकिन रेलवे आपको एक्सप्रेस के रूप में चला रहा है और जो किराया लिया जाएगा वो एक्सप्रेस कैटेगरी का लिया जाएगा। बनारस से ये ट्रेन 10 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो जाएगी और प्रयागराज रामबाग से भी 10 अक्टूबर से चलना प्रारंभ हो जाएगी। बनारस से चलिए तो 051 71 05173 नंबर के साथ, प्यारा रामबाग से चले तो 05174 नंबर के साथ चलेगी। आइए मैं आपको इसका पूरा टाइम टेबल बता देता हूँ। देखिए ये ट्रेन जब बनारस से चलेगी तो 051 71 नंबर के साथ सुबह 6:15 पर खुलेगी बनारस से, बुलंदपुर आएगी 6:22 पर, हरदत्तपुर आएगी 6:28 पर। नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा राजा तालाब, 6:36 पर आने का समय रहेगा। बेड़वा हाल्ट पहुँचेगी 6:45 पर, निगतपुर 6:49 पर, कछवा रोड 6:58 पर ट्रेन कछवा रोड आ जाएगी। कटका 7:06 पर 2 मिनट खड़ेगी कटका। माधो सिंह 7:58 पर 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा माधो सिंह। अहिमनपुर पहुँचने का समय 7:26 पर, अलमाव 7:31 पर, ज्ञानपुर रोड आई 7:43 पर 2 मिनट खड़ी रहेगी। सराय जगदीश 7:49 पर और जंगीगंज 7:58 पर, अतरौरा 8:06 पर, भीटी 8:20 पर 2 मिनट खड़ी रहेगी भीटी। हंडिया खास पहुंचने का समय रहेगा इसका 8:33 पर, सैदाबाद 8:42 पर, रामनाथपुर 9:01 पर, रामनाथपुर झूंसी 9:13 पर, दारागंज 9:33 पर, प्यारा रामबाग आएगी सुबह के 10 बजे ट्रेन प्यारा रामबाग आ जाएगी। ये पैसेंजर ट्रेन है, इसमें 10 डिब्बे टोटल लगाए गए हैं, ICF कोच यानी नीले वाले डिब्बे रहेंगे। आइए आप अब मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, जब ये ट्रेन प्यारा रामबाग से चलेगी तो शाम को 6:30 पर खुलेगी, 6:30 बजे चलने का समय रहेगा प्यारा रामबाग से। दारागंज 6:38 पर आएगी, झूंसी 6:49 पर 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा, रामनाथपुर 6:59 पर, यहाँ पर भी ट्रेन 2 मिनट खड़ी रहेगी, सैदाबाद 7:09 पर, हंडिया खास 7:18 पर ट्रेन हंडिया खास पहुँच जाएगी। नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा भीटी, भीटी पहुँचने का समय रहेगा 7:27 पर 2 मिनट खड़ी रहेगी, अतरौता 7:35 पर 1 मिनट का स्टॉपेज है, जंगीगंज 7:40 पर, यहाँ पर 2 मिनट खड़ी रहेगी। नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा इसका सराय जगदीश 7:47 पे, ज्ञानपुर रोड 7:53 पर पहुँचने समय 2 मिनट खड़ी रहेगी, अलमाव हॉल्ट 8:01 पे, अहिमनपुर 8:06 पे, माधो सिंह 8:12 पे पहुँच जाएगी, कटका 8:21 पे 2 मिनट खड़ी रहेगी, कछवा रोड 8:30 पे 2 मिनट का स्टॉपेज है, निगतपुर 8:38 पे 2 मिनट खड़ी रहेगी, बड़वा हॉल्ट 8:45 पर, राजा तालाब 8:58 पे, हरदत्तपुर 9:05 पे, 9:15 भूलन 9:45 से बनारस पहुंच जाएगी। तो ये गाड़ी थी बनारस से प्यारा, प्यारा से बनारस चला करेगी जिसका संचार रेलवे शुरू करने जा रहा है। तो एक बड़ी खुशखबरी है कि यूपी में भी कुछ नई ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है और ये ट्रेन आपके बनारस प्रयागराज और साथ ही बलिया सागंज के मध्य में चलेंगी। 10 अक्टूबर से ट्रेन चलना प्रारंभ हो रही है, प्रतिदिन चला करेगी, पैसेंजर के रूप में चलेंगी लेकिन जो आपसे रेलवे किराया लेगा वो एक्सप्रेस का लिया जाएगा। तो एक बड़ी खुशखबरी है कि यूपी में भी नई नई ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ट्रेन संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैवी नाइस डे।